टेस्ट में जीत गई इसलिए बड़ी बन रही है। मम्मा मैंने इसके कलर्स दे रही तो मुझे चलता मार दिया। मम्मा अनन्या दीदी मेरे भी उसने ब्लैक कलर लगा दी थी। अनन्या वो ऑलरेडी इतनी काली है और कितना काला रंग लगाओगी उसके चेहरे पर। और शनाया मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे से मेरी अनन्या को हाथ लगाने की सोचना भी मत। Later. अरे शनाया। हाँ जी पापा। इधर आओ बेटा। तुम्हारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आने की वजह से मेरा ना दिल कर रहा है तुम एक न्यू ड्रेस खरीदो। सच्ची पापा? हाँ जी, ये लो इसमें से अपनी न्यू ड्रेस पसंद करो। ये लो। रमनीक कोई जरूरत नहीं है इसको सिर पर चढ़ाने की। एक फालतू सा ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्या जीत गई तो अब आप इसको महंगे महंगे कपड़े लेकर दोगे? अरे पुनीत तुम क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो? ये अपनी मेहनत से कॉन्टेस्ट जीती है, तुम इसको बार बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट के ताने मारती रहती हो। किसको क्या पता कि आपने जजेस को पैसे खिला दिए हो, नहीं तो कौन इस काली कलूटी को विनर बनाएगा ब्यूटी कॉन्टेस्ट का? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अनन्या सियान आजो, हम शॉपिंग करते हैं बच्चों। आजो आजो आगे बच्चों, देखो ये अच्छी है ना? हाँ जी मम्मा, ये वाली मुझे, ये वाली ड्रेस चाहिए मुझे। अनन्या ये तो बहुत सुंदर है मगर ये बहुत महंगी है बेटा। मामा आप ही तो कहते हो मैं एक सुंदर सी प्रिंसेस हूँ, तो प्रिंसेस तो महंगे कपड़े डिजर्व करती है ना? हाँ डिजर्व तो करती है। अच्छा चलो ले लो, ठीक है। ये वाली टी-शर्ट ले लो। ले लो ले लो ले लो, और कुछ लेना है? बस बस आपको नान्या? ठीक है बस बस, ओके डन। आई एम सॉरी बेटा, आपकी मम्मा आपके साथ बहुत ही गंदा बिहेव करती है कि मुझको ही शर्म आ जाती है। कोई बात नहीं पापा, आप सोच रहे हो कि मम्मा बहुत बुरी हैं, पर ऐसा नहीं है, मम्मा बहुत अच्छी हैं। बेटा वो आपके साथ इतना ज्यादा भेदभाव करती है और आप फिर भी कह रहे हो वो अच्छी है। पापा वो है तो मेरी मम्मा ही ना, और मम्मा तो बेस्ट होती है। The next day. अनन्या ये तुम क्या कर रही हो? डस्टिंग कर रही हूँ मम्मा। पर क्यों? मम्मा मैंने सोचा आज मेड नहीं आ रही तो मैं डस्टिंग कर लूं, अक्सर से हेल्प भी हो जाएगी। अनन्या बेटा तुम प्रिंसेस हो और प्रिंसेस ये सब काम नहीं करती, प्रिंसेस का काम सिर्फ आराम करना होता है। इधर दिखाओ तुम शनाया, ये लो और तुम डस्टिंग करो। तुम्हें मैंने कहा था ना तुम पूरे घर की डस्टिंग करोगी। मम्मा पर कल मेरा रीडिंग टेस्ट है तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। ये बहानेबाजी मेरे साथ मत करो, अनन्या नहीं करेगी ये सारे काम, वो मैली हो जाएगी। तुम तो ऑलरेडी काली और मैली हो, तुम करोगी ये सारे काम, और ये बहाने बनाने मेरे साथ नहीं चलेंगे। किताब को साइड करो और पूरे घर की डस्टिंग करो। अच्छे से करो। Later. शनाया मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आ। जा जा मम्मा को पानी दे। मेरे तो मजे हैं, मेरे को तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता। मेरे को तो मिस वर्ल्ड बनना चाहिए।
मैं इतनी सुंदर हूँ। Later that same evening, पुनीत, अभी शनाया की क्लास टीचर का फोन आया था। वो कह रही है कि शनाया की परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती जा रही है, उसका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन लो होता जा रहा है। तुम बच्ची के साथ क्यों ऐसा कर रही हो? मैं कर रही हूँ? मैं उसका कॉन्फिडेंस गिरा रही हूँ? रमनीक, मेरे पे इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पे इल्जाम लगाने से पहले अपनी बेटी की शक्ल तो देख लो, इतनी बदसूरत है, उसको कॉन्फिडेंस आए भी तो किस बात का? मामा, पापा, कल मैंने घर पे अपनी पार्टी रखी हुई है। अरे वाह, पार्टी? हाँ, मेन्यू, डेकोरेशन, थीम सब डिसाइडेड है। अरे वाह, सब डिसाइड भी कर लिया? प्रिंसेस सब डिसाइड कर लेती है। मेरी प्रिंसेस, किस किस को इनवाइट कर रही हो? मेरी सारी फ्रेंड्स को, रूही, नेहा, एक्सेट्रा। वेरी नाइस, गुड। चलो, ये सब तो ठीक है, शनाया को भी बुलाओगी ना पार्टी में? शनाया? रमनीक, आप भी ना, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ हाई फाई पार्टी कर रही है, तो उसमें शनाया का क्या काम है? सच में मेरी पार्टी का तो लेवल ही लो हो जाएगा। आपको शनाया को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही हाई फाई पार्टी करेगी। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ ही पार्टी करना। अच्छा सुनो, मैंने ना मार्केट जाना है, अगर आपको अपनी पार्टी के लिए कुछ सामान मंगवाना हो तो मुझे एक लिस्ट बना के दे देना। ओके? ओके हाँ। पक्का से? A few moments later. रमनीक, मैं मार्केट होकर आती हूँ। अरे नान्या। जी पापा। शनाया तुम्हारी छोटी बहन है, अगर तुम उसको पार्टी में नहीं बुलाओगी तो उसको कैसा लगेगा? जैसा भी लगे, मैं उसको बुला के अपनी पार्टी में अपनी पार्टी खराब बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। बेटा, तुम्हें उसको पार्टी में बुलाना ही होगा, वो तुम्हारी छोटी बहन है, और अगर तुमने उसको पार्टी में नहीं बुलाया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। पापा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं उसको अपनी पार्टी में बुला लूंगी, पर सिर्फ आपके कहने पे, वरना मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। ये हुई ना बात, वेरी गुड गर्ल। चलो हम चलते हैं शनाया के पास, और तुम उसको खुद इनवाइट करना। ठीक है। चलो आओ। शनाया। हाँ जी दीदी। कल शाम को मैंने एक पार्टी रखी है, उसमें तू भी आ जाइयो। सच? मैं भी आपकी पार्टी में आ सकती हूँ? आ जाइयो। ये मैं भी पार्टी करूंगी, ये। The next day, oh wow, मैं तो इतनी beautiful बन गई हूँ दीदी, अब मैं अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ बहुत अच्छा। तो एक काम कर, तू ना ये वाला हेयरबैंड उतार के ना तो ये वाला पहन ले। चाबी मेरे हाथ में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। काले और गोरे में भेदभाव पार्ट 3 लाइव हो चुका है हमारे चैनल रमनीक सिंह 1313 पे। क्या आपको लगता है कि काले और गोरे में भेदभाव करना चाहिए? वीडियो देखने के लिए क्लिक किया।